वो क्या सुन लो यार, एक मिनट सुनो, कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस बसपा सपा किसी नहीं नहीं सुनो किसी, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन घर जाके पूछ लेना आपकी वाइफ का वोट बीजेपी में ही जाएगा। अब ये बेचारे बोल के खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, चोर है, इसीलिए वो जेल जाएगा। और उनके पहले भी नेता जा चुके हैं। बड़ी पुरानी कहावत है, मुखाए आंखें शर्माए, कहाँ से ले जाओगे? 3 साल घर बैठ के राशन खिलाया मोदी ने, कम से कम कुछ तो शर्म होनी चाहिए आंखों में। साहेबा जहाँ 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, वहाँ से मैं रैपिड ट्रेन जा रही है, ये वहाँ से रैपिड ट्रेन जा रही है। एक कम है कोई, आम आदमी के फायदे के लिए उसने अपने घर में 12 करोड़ रुपए के पर्दे लगा लिए, आम आदमी का फायदा हो रहा है, हैं? इटालियन टाइल्स लगा लिए 125 करोड़ रुपए के, हैं? वो आम आदमी का फायदा हो रहा है, आम आदमी जाके वहाँ लेटेगा। ये सब फर्जी आधार कार्डों के भी आप पे अरविंद केजरीवाल राज कर रहा है दिल्ली में। मैं कहता हूँ इस बात को, ये जो मज्जू टीला के वोटर बने नकली बांग्लादेशियों के, रिफ्यूजियों के, वो वोट है, वरना कोई असल का दिल्ली का रहने वाला होगा वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा। मैं अभी इनसे ही पूछ लेता हूँ, तो आप केजरीवाल या राहुल गांधी, कांग्रेस बसपा सपा किसी नहीं नहीं सुनो किसी आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन घर जाके पूछ लेना आपकी वाइफ का वोट बीजेपी में ही जाएगा। तो मत, ये फैक्ट है। हाँ भाई साहब, एक बड़ी पुरानी कहावत है, मुखाए आंखें शर्माए, कहाँ से ले जाओगे? 3 साल घर बैठ के राशन खिलाया मोदी ने, कम से कम कुछ तो शर्म होनी चाहिए आंखों में। एक सवाल का जवाब और, हाँ बताइए 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 आपका, आप एक सवाल का जवाब सुनिए, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या बोल रहे थे आप? अभी हाँ, अभी हमारे एक सज्जन ने कहा था कि भारत ने तो सुई भी कभी नहीं बनाई। अरे भाई पढ़ लिख लो, हमारे पास गीता है, रामायण है, 18 पुराण है, समझ रहे हो? अगर इनका ज्ञान ही हमने लेना छोड़ दिया है तो ये गलती हमारी है। रामायण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, चलत विमान कुलावल होई, जय रघुवीर जपय सब कोई। ये विमान शब्द कहाँ से आ गया? जब हमारे पास आज से 5000-10000 पहले विमान नहीं था, बताइए कहाँ से आ गया विमान शब्द? वो विमान शब्द इसलिए आया, वेदों का कारण है, ये वेदों में था, बनाया गया, पहले बनाया गया, अपने पास था। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने सुई नहीं बनाई? आप कैसे कह सकते हो कि हमने सुई नहीं बनाई? ये तो कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, पार्टी की विचारधारा बुरी होती है, हमेशा ध्यान रखिए, विचारधारा बुरी होती है ना। कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस के भी टाइम में हमने पानी पिया, रोटी खाई, पढ़े भी, ठीक है, पले भी, बड़े भी हुए। विचारधारा गलत होती है, विचारधारा एक राष्ट्र की विचारधारा है, भारत राष्ट्र की विचारधारा है, उस पर हमें कायम रहना है और बढ़ाना है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप को ये ना कह पाए कि मैं भारत का नहीं हूँ, कितनी शर्म की बात है। आज आगे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी, आई एम बिलोंग फ्रॉम इंडिया, भारत, ये भारत, और झुकना चाहते हैं लोग, और झुकना चाहते हैं लोग, देश की तरक्की है, तरक्की को आप, तरक्की का मानक बताइए, आप तरक्की का मानक बताइए, क्या मानक होता है तरक्की का, आप बताइए। मैं उदाहरण सहित बताऊंगा, बरवली नहीं बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा कि ये है मानक। आम आदमी पार्टी तरक्की जब बननी जाएगी, जब आम जनता खुश रहेगी, आम जनता सब खुश तो नहीं है, महंगाई को कंट्रोल कराइए, रोजगार दें लोगों को। जनता रो कहाँ रही है भाई साहब, रो कहाँ रही है? हाई स्कूल में जब मैं पास हुआ था तो मेरे पापा के पास 300 रुपए नहीं थे, 300 रुपए नहीं थे, साइकिल गिफ्ट दिलवाने के लिए मैंने कहा था पापा साइकिल चाहिए, मैं हाई स्कूल में पास हो गया 2nd डिवीज़न, मुझे साइकिल चाहिए, पैसे नहीं थे, 300 रुपए की साइकिल आती थी उस समय हीरो की। आज हम अपने बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की स्कूटी ऐसे लाई खड़ी कर देते, ये तरक्की नहीं है क्या? अब आप ये बताइए,
बताइए आप लोग अपडेट क्यों नहीं होते हैं आम आदमी पार्टी जैसे। अभी जैसे केजरीवाल जी हर मंच से कहते हैं कि मोदी जी ने जो आप पूरा CBI लगा दिया, ये काम वकीलों का है, वे सफाई देंगे वकील, अगर वे साफ हैं तो निकल कर आएंगे। कई गलतियां उनकी कमी है, कहीं जहाँ कई कमी है दंड किसे मिलेगा जो गलती करेगा। आप छोड़ो यार, आपके पास आधार कार्ड दिल्ली का है या गाजियाबाद का? गाजियाबाद का क्यों यार पचड़े में पड़े हो? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, ये साहिबाबाद, साहिबाबाद मकनपुर के साहिबाबाद जहाँ 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, वहाँ से मैं रैपिड ट्रेन जा रही है, ये वहाँ से रैपिड ट्रेन जा रही है, एक कम है कोई जब जो गलती करेगा। सरकार आ रही है पूरे देश में, जो है हमारी सरकार है। राम राज नहीं को व्यापा, जो जस करे तो तसल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसके सामने आएगा, ठीक है। अब ये बेचारे बोल के खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, चोर है, इसीलिए वो जेल जाएगा, और उनके पहले भी नेता जा चुके हैं। ऐसा चोर नहीं है, कोई भी चोर नहीं है, उनने दिल्ली में इतना काम दिखाया है आम जनता को, गरीब जनता को पूरा साथ दिया उनका। यहाँ भारत के लोगों के पास एक कमी और है भाई, कल रात में क्या हुआ था, सुबह भूल गए यार, छोड़ो ना, रात गई बात गई, अभी 2 महीने पहले की बात है। पूरे तैर रहे थे लोग वहाँ 2 महीने पहले, है तैर रहे थे, सांप घुस रहे थे घरों में, सांप। तब कहाँ थे आप? नहीं तब कहाँ थे आप? और उसने अपनी जो है कम से कम 100 करोड़ की कोठी बना ली है, 12 करोड़ के पर्दे लगवा लिए हैं, ये कहाँ से आ गया है? वो तो देखी तुम तहसील कि मैं साधारण रहूँगा, आम आदमी की तरह होऊंगा, और जो अन्ना हजारे के पदचिन्हों पे चलूंगा। अब इतनी बड़ी कोठी में कितना 52-54 करोड़ रुपए जो है इतना जा रहा है, और वो तो शीश महल बता रहे हैं लोग बाग। तो अब आप आम आदमी कहाँ आम आदमी के फायदे के लिए काम करता है, आम आदमी को, जनता को, आम आदमी को फायदा मिल रहा है। आम आदमी के फायदे के लिए उसने अपने घर में 12 करोड़ रुपए के पर्दे लगा लिए, आम आदमी का फायदा हो रहा है। इटालियन टाइल्स लगा लिए 125 करोड़ रुपए के, है वो आम आदमी का फायदा हो रहा है। आम आदमी जाके वहाँ लेटेगा, क्यों नहीं जीतता? आदमी आदमी का जो रहे कुटिया में रहे, दिल्ली में गरीब जनता को फायदा हुआ जब दोबारा आया भाई साहब, गरीब जनता कोई फायदा नहीं हुआ। हर सवाल का जवाब है मेरे पास, वो क्या सुन लो यार, एक मिनट, कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो मज्जू टीला के वोटर बने नकली बांग्लादेशियों के, रिफ्यूजियों के, वो वोट है, वरना कोई असल का दिल्ली का रहने वाला होगा वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा। ये सब फर्जी आधार कार्डों के भी आप पे अरविंद केजरीवाल राज कर रहा है दिल्ली में, मैं कहता हूँ इस बात को। नहीं, फर्जी वाला कैसे हो जाएगा? क्यों मज्जू के टीला पे जो तिब्बती थे उनके कभी आधार, वो पहले कभी आधार कार्ड बने उनके, कैसे बन गए आधार कार्ड दिल्ली में? आप बताइए, सरकार से तो बने। जो बांग्लादेशी आ रहे हैं एंट्री कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड कैसे बन गए? मैं रियल एस्टेट का आदमी भी हूँ, योगा भी करवाता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो लेबर आती थी बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से, किसी के नाम मजीजुर रहमान, ये सब कहाँ से आ रहे हैं भैया?